सी सेक्शन एक हामला औरत के बच्चा पैदा करने का वो तरीका है जो हम ऑपरेशन के ज़रिए करते हैं। इसमें कट लगाकर बेहोशी के थ्रू बेबी को निकाला जाता है और ये उन मरीज़ों में करना पड़ता है जिसमें किसी भी वजह से नॉर्मल डिलीवरी से बेबी डिलीवर नहीं हो सकता। अब उसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं, इसमें एक वजह ये है कि अगर 9वें महीने में बच्चे की पोजीशन सीधी ना हो, बच्चा उल्टा हो या टेढ़ा हो। दूसरी वजह यह है कि औरत की ऑल या प्लेसेंटा वो नीचे हो, क्योंकि अगर उसमें हम नॉर्मल डिलीवरी कराने की कोशिश करेंगे तो इतनी ब्लीडिंग होगी जिसमें माँ और बच्चे की ज़िंदगी को ख़तरा है। इसी तरह अगर ऐसी ट्विन प्रेगनेंसी हो जिसमें नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस नहीं हैं, पहला बच्चा टेढ़ा है या दोनों बच्चे टेढ़े हैं या दोनों का वेट बहुत ज़्यादा है, इन दैट केस भी हमें ऑपरेशन की तरफ रुझान होता है गायनेकोलॉजिस्ट का। इसी तरह अगर औरत का ब्लड प्रेशर आउट ऑफ कंट्रोल हो या शुगर आउट ऑफ कंट्रोल हो या कोई ऐसी बीमारी जो हमारे बस में नहीं आ रही है, उस केस में भी हम औरत को लेबर पेंस का स्ट्रेस देने से अवॉइड करते हैं, क्योंकि उसमें औरत की जान को भी ख़तरा है और बच्चे की जान को भी ख़तरा है। इसी तरह कुछ औरतें अपनी बाई चॉइस भी वो नॉर्मल डिलीवरीज नहीं कराना चाहती, इन दैट केस भी सिजेरियन सेक्शन इज़ वेरी मच सेफ प्रोसीजर टू डू। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमें नहीं पता चलती कि इस औरत का ऑपरेशन होगा। जब खातून 9 महीने हम गायनेकोलॉजिस्ट कहते रहते हैं सब ठीक है सब ठीक है, लेकिन जब वो पेंस के साथ हमारे पास आती हैं तो एन लेबर के वक्त बच्चा पेट में मोशन कर दे या उसके दिल की धड़कन ख़राब हो जाए या पेंस के बावजूद प्रोग्रेस ना हो, बच्चेदानी का मुँह ना खुले या बेबी नीचे ना आए, ये वो वजूहत हैं जिनका एन वक्त पर डिसीजन करना पड़ जाता है कि नहीं जी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो रही, सिजेरियन सेक्शन करना पड़ेगा। लेकिन इसका ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कोई गायनोकोलॉजिस्ट पेशेंट गोई नहीं कर सकता कि ऐसा होगा। इसीलिए ये वो वजूहत हैं जिस पर हर गायनोकोलॉजिस्ट का फ़र्ज़ है कि वो अपने मरीज़ को ये ना कहे कि आपका होने ही नॉर्मल डिलीवरी है, हमेशा चांसेस बताने चाहिए, क्योंकि कुछ वजूहत की बिना पर एन वक्त पे जिसका पहले पता चलना ज़रूरी है आपको ऑपरेशन करना पड़ जाता है। सिमिलरली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी औरत की हड्डी चेक करना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें लगे कि उसकी हड्डी शॉर्ट है, यहाँ से बेबी नहीं निकल सकता, तो उस मरीज़ को भी फिर हम काउंसलिंग करते हैं कि आपके नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती। ये चंद वजूहत हैं जी जिनकी वजह से नॉर्मल डिलीवरी, जो कि बहरहाल एक बहुत बेहतर तरीका है, जो कि प्रेफर होना चाहिए, जिसको हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद बास लोगों में सिजेरियन सेक्शन ज़्यादा सेफ़ है, ज़्यादा बेहतर है और उन्हें नॉर्मल डिलीवरीज़ की निस्बत सिजेरियन सेक्शन को ही प्रेफर करना चाहिए।